एग्जाम्पल 33 देखिए, यूज प्रोडक्ट, दो मैट्रिसेस गिवन है और उनका प्रोडक्ट आपको यूज करना है टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, हम उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो लिखना शुरू करते हैं। सो 1 माइनस 1 2, सेकंड में देखिए एक्स की टर्म नहीं है सेकंड इक्वेशन में। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई एक्स है वो, ठीक है। सो कॉन्स्टेंट हो गया वहां 0, एक्स से जो मल्टीप्लाइड है, ठीक है। सो 0 मल्टीप्लाई एक्स 0 हो गया, सो उसने शो नहीं किया। सो 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 4 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, ये आ गई 1 1 2, ठीक। अब जो उसने प्रोडक्ट दे रखा है उसको देखिए ध्यान से, ये जो मैट्रिक्स है ये वाली 1 माइनस 1 2, यहां भी देखिए 1 माइनस 1 2, 0 2 माइनस 3, 0 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 4, यानी उसने ये मैट्रिक्स ए लिख रखी है वहां। सो ए इंटू एक्स इक्वल्स टू बी, ये हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। अब वो प्रोडक्ट को यूज करने की कह रहा है, तो हम पहले ये प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये मैट्रिक्स आपकी ए हो गई और ये कोई मैट्रिक्स सी हो गई, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए बी तो हम इसको मान चुके हैं ना, तो इनका पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट एलिमेंट आएगा आपके पास, सो माइनस टू, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, माइनस 1 इंटू 9 माइनस 9, प्लस 2 इंटू 6 वो आ जाएगा 12, सो प्लस 12, ठीक। सेकंड एलिमेंट यानी कि ए 1 2, सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 1 सो प्लस 2, सो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर ए 1 3, मैं कैलकुलेट करके फिर आपके पास आता हूं कि ये पूरी मैट्रिक्स क्या होगी, इनका प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए देखिए ए और सी मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो आता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। ऐसा कब होता है, ए मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब सी जो है वो क्या है, ए का इनवर्स है, ठीक है। जब किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ठीक। सो सी जो है वो ए का इनवर्स है, ए तो ये हो गई मैट्रिक्स आपकी, और सी जो है वो उसका इनवर्स है, यानी कि ए इनवर्स है आपका सी, ठीक। सो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी, ऐसे हम सोल्व करते हैं अपना मैट्रिक्स मेथड से जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको, ठीक है। सो यहां ए इनवर्स आपको डायरेक्ट गिवन है, सो ए इनवर्स लिख लेते हैं हम, देखिए जिसकी वैल्यू है माइनस 2 0 1 9 2 माइनस 3 6 1 माइनस 2। बी जो है वो मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2, और इनका मल्टीप्लीकेशन करके हम एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स एक्स है क्या, मैट्रिक्स एक्स है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स इक्वल्स टू, ये देखिए इनका प्रोडक्ट करने से क्या वैल्यूज आएंगी वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, 0 इंटू 1 सो 0, 1 इंटू 2 सो प्लस 2, ठीक। 9 इंटू 1 9 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, ठीक। 6 इंटू 1 6 प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, ठीक। तो इनको वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिए क्या वैल्यूज आती हैं, ये देखिए माइनस 2 2 ये तो कैंसिल आउट हो गया सब 0, ठीक है जी। और 9 प्लस 2 11 11 माइनस 6 ये बच गया 5, 6 प्लस 1 7 7 माइनस 4 3। सो जब मैट्रिसेस को कंपेयर करेंगे सो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5 और जेड की वैल्यू 3, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो देखिए उसने बड़ी ही होशियारी से और
मैट्रिसेस का प्रोडक्ट दे दिया आपको, ठीक, और उससे आंसर फाइंड आउट करना आपके लिए इजी हो गया। अब आप अगर घबरा के वो प्रोडक्ट ना करें और ए इनवर्स आप वैसे फाइंड आउट करते तो आपको काफी टाइम लगता, तो ये इजी भी हो गया और जल्दी भी हो गया। एग्जांपल 34 देखिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल प्रूव करनी है आपको। इसमें भी एक डिटरमिनेंट है राइट हैंड साइड में और 1 - x² का फैक्टर है। सो डिटरमिनेंट गिवन है आपको वो ये है। इसको देख के आप यूं कर सकते हैं हम कि जैसे देखिए ये जो सेकंड रो में टर्म्स हैं ए एक्स प्लस बी है, इसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं और फर्स्ट टर्म में से माइनस कर दूं, यानी कि a प्लस बी एक्स माइनस उसमें से इसको माइनस कर दूं, तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स इंटू एक्स ए एक्स स्क्वायर एंड बी इंटू एक्स माइनस बी एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और a माइनस ए एक्स स्क्वायर a कॉमन लेके 1 - x² की टर्म आ जाएगी जो कि देखिए यहाँ है, ठीक है। तो हम ऐसा ही करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग क्या अप्लाई करेंगे, R1 रो पे अप्लाई करेंगे R1 माइनस x टाइम्स R2, R2 रो को x से मल्टीप्लाई करके R1 रो में से R1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट रो में से, ठीक है। तो डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका, फर्स्ट रो आपकी है a प्लस बी एक्स, उसमें से माइनस x टाइम्स क्या ए एक्स प्लस बी, सेकेंड देखिए c प्लस डी एक्स माइनस एक्स टाइम्स सी एक्स प्लस डी, थर्ड एलिमेंट देखिए p प्लस क्यू एक्स माइनस एक्स टाइम्स पी एक्स प्लस क्यू, ठीक। सो फर्स्ट रो में ऑपरेशन कर दिया, सेकेंड एज इट इज आपकी ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी एंड पी एक्स प्लस क्यू और u v W, ये थर्ड रो है, इसमें कोई चेंज नहीं है। देखिए अब डिटरमिनेंट क्या हो जाता है आपका, फर्स्ट जो टर्म है उसमें जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया a इंटू 1 - x² बच जाएगा, ठीक है। सेकंड में देखिए c माइनस सी एक्स स्क्वायर, सो यहाँ c 1 - x² बच जाएगा, ठीक है, इस टर्म में। और थर्ड टर्म में आपके बच जाएगा p 1 - x², ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, मैं साइड में करके दिखाता हूं आपको। देखिए ये p प्लस क्यू एक्स है, सो p प्लस क्यू एक्स माइनस x मल्टीप्लाई पी एक्स, सो पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स, ठीक है। सो क्यू एक्स से क्यू एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, p माइनस पी एक्स स्क्वायर p कॉमन लिया आपने, सो 1 - x² आपके पास बच गया, ठीक। तो ये टर्म आ गई अपनी, ऐसे ही सेकंड वाली है। सो ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी एंड पी एक्स प्लस क्यू यू वी डब्ल्यू, ठीक। अब दूसरी चीज तो हमने देखी नहीं क्या है, वो एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट है ए सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू, ऐसा है। 1 - x² अभी हमने कॉमन लिया नहीं है, तो हमें x की टर्म हटानी है, देखो सेकंड रो से भी, ठीक है, ऐसा करना है कुछ। सो टेकिंग आउट 1 - x² पहले तो ये करते हैं, टेकिंग आउट 1 - x² फ्रॉम r1 फर्स्ट रो से, ठीक है। सो 1 - x² फर्स्ट रो में अब क्या बच गया आपके पास, a c और p, ठीक है, बी नहीं है, फ्लो फ्लो में लिख गया मैं, ए सी एंड पी, ठीक है जी। सेकंड रो में है आपके पास ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी एंड पी एक्स प्लस क्यू और यू वी डब्ल्यू। अब सेकंड रो में भी आपको एक्स वाली टर्म्स जो है वो हटानी है, तो देखिए कैसे हटा सकते हैं। सेकंड टर्म में x की सेकंड जो रो है उसमें x की टर्म क्या है, ए एक्स है सी एक्स है और पी एक्स है, और ऊपर देखिए a भी है c भी है और p भी है। सो मैं अप्लाई करता हूं, अप्लाइंग
अब रो टू पे अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, रो टू माइनस एक्स टाइम रो वन, रो वन को एक्स से मल्टीप्लाई करके रो टू में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या आता है, रो वन पे कोई ऑपरेशन नहीं किया, सो ए सी पी एज इट इज, रो टू पे ऑपरेशन किया है, क्या किया है, ए एक्स प्लस बी माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना रो वन को, सो ए एक्स आ जाएगा, यहाँ पे देखिए सी एक्स प्लस डी माइनस सी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पी एक्स प्लस क्यू माइनस पी एक्स आ जाएगा, ठीक। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आगे करेंगे पहले यू वी डब्ल्यू, ये स्टेप आ गया अपने पास। अब देखिए इस कैलकुलेशन को करते हैं, ए एक्स से ए एक्स कैंसिल, सी एक्स से सी एक्स कैंसिल, पी एक्स से पी एक्स कैंसिल, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपके पास बच गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए सी पी बी डी क्यू एंड यू वी डब्ल्यू, ठीक है, जो कि बराबर है आपके राइट हैंड साइड, ठीक है, एंड प्रूव्ड।